बाइबल में 17 देशों का उल्लेख है, एक स्पेन। न्यू टेस्टामेंट में स्पेन का 2 बार उल्लेख किया गया है। दोनों पॉल की वहां प्रचार करने की इच्छा के संदर्भ हैं। उस समय स्पेन यहूदिया की तरह एक संप्रभु देश नहीं था, यह एक और रोमन प्रांत था। रोम में पॉल का सिर काट दिया गया था, इसलिए वह वहां कभी नहीं गया। 2. आर्मेनिया। किंग जेम्स संस्करण में आर्मेनिया का 2 बार उल्लेख किया गया है। ये वह जगह है जहां ड्रामालेक और चारेज किंग्स और यशायाह में भाग गए थे। अन्य अनुवाद इसे अरारत 3 कनान की भूमि कहते हैं। कनान भूमि का उल्लेख उत्पत्ति में मिलता है। ये वादा किए गए देश से जुड़ा है। वास्तविक कनान दक्षिणी लेवंत में एक प्राचीन सभ्यता थी। इसने मोटे तौर पर उस स्थान पर कब्जा कर लिया जहां इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनन और जॉर्डन 4 इथियोपिया हैं। नए नियम में इथियोपियाई लोगों की रानी कैंडेस का उल्लेख है। दरअसल कंडाके एक नाम नहीं बल्कि एक शाही उपाधि थी। ये रानी माँ 5 असीरिया का प्राचीन इथियोपियाई समकक्ष था। असीरिया एक प्रमुख मेसोपोटामिया सभ्यता थी। विघटन से पहले यह एक विशाल साम्राज्य बन गया। आज असीरियन हृदय भूमि 4 देशों इराक, तुर्की, ईरान और सीरिया के बीच विभाजित है। 6. फारस। फारस ईरान का पुराना नाम है। इसका उल्लेख पुराने नियम में कई बार किया गया है। एस्तेर, एजरा, नहेमाया और डैनियल सभी फारसी साम्राज्य से आए थे। एस्तेर की पुस्तक में 7:2 का केवल 2 बार उल्लेख किया गया है। इसे फारस की पूर्वी सीमा का नाम दिया गया है। प्रथम मैकाबीज 637 एंटियोकस युद्ध हाथियों के भारतीय महावतों का संदर्भ 8। बैबीलोन एक महत्वपूर्ण मेसोपोटामिया केंद्र था। 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। आज इसके खंडहर इराक के गिला में पाए जा सकते हैं। 9. इसराइल की भूमि का उल्लेख कई बार किया गया है। दरअसल ये कनान जैसा परिभाषित क्षेत्र वाला राज्य नहीं था। इसराइल की भूमि पवित्र भूमि से जुड़ी थी। बाइबल के विभिन्न अनुच्छेदों में अलग अलग सीमाओं का उल्लेख किया गया है। एकमात्र निश्चितता यह है कि यह दक्षिणी लेवंत 10 कप्पाडोसिया में था। कप्पाडोसिया का उल्लेख पारित होने में हुआ है। उस समय यह हेलेनिस्टिक युग का ईरानी साम्राज्य था। आज ये तुर्की के 11 साम्राज्य कुश का एक क्षेत्र है। ये प्राचीन साम्राज्य नूबिया में स्थित था। आजकल उत्तरी सूडान और दक्षिणी मिस्र यही हैं। हिब्रू बाइबल में हिशाइट्स 12 मिस्र के हंस वंशज हैं। मिस्र का उल्लेख कई बार किया गया है। प्राचीन मिस्र विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में से एक था। आधुनिक मिस्र की स्थापना 7वीं शताब्दी ईस्वी में प्रारंभिक मुसलमानों द्वारा की गई थी। 13. इटली। इटली का उल्लेख 3 बार किया गया है, हमेशा भौगोलिक दृष्टि से। उस समय इटली नाम का कोई देश नहीं था, इसलिए ये शब्द इतालवी प्रायद्वीप को संदर्भित करता था। 14. साइप्रस। साइप्रस का उल्लेख प्रेरितों के कार्य में किया गया है। यह एक द्वीप होने के बावजूद आज भी एक संप्रभु राज्य है। इसकी सीमाएं भी वैसी ही हैं जैसी पहले थीं। 15. अदोम उन राज्यों में से एक है जहां से मूसा बड़ी संख्या में यात्रा करता है। इसे 6 शताब्दी ईसा पूर्व में बेबीलोनियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। आज ये दक्षिणी इजराइल और जॉर्डन 16 ग्रीस का क्षेत्र है। ग्रीस का उल्लेख अधिकतर उसके शहरों के माध्यम से किया जाता है। हालांकि डैनियल की किताब में ये भविष्यवाणी शामिल है। जबरा बकरा ग्रीस का राजा है। इसकी आंखों के बीच बड़े सींग में पहला राजा है। इसे सिकंदर महान 17 आराम के संदर्भ के रूप में लिया जाता है। आराम आरामियों द्वारा बसा हुआ क्षेत्र था। यह कोई अलग देश नहीं था। पुराने नियम में दमिश्क को आराम के मुखिया के रूप में उल्लेख किया गया है। इसका मतलब है कि आराम सीरिया में कहीं था।